यहाँ पे हम हमारा परिवार सहित यहाँ पे काम कर रहे थे खेत में, हमने देखा कि आया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर प्लेन था, हेलीकॉप्टर है ना, प्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर है। हमने देखा हमारी आंख से आया, बाहर गिरने वाला था लेकिन वो अंदर चला गया। पहले तो उसने संभाल ली ऐसे जैसे ऐसे तैसे करके गाड़ी को ऊपर लेके गया। हमने सोचा वो तो ऐसे करते रहते हैं, बहुत सारे पहले भी देखे हैं, पायलट उनका तो काम ही है इधर उधर ले जाना वो जाना, बहुत दिन भर ऐसा ही होता रहता है। तो हमने सोचा चलो रहने दो, फिर हमने सोचा ये हेलीकॉप्टर का मामला है तो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं कुछ खराबी होगी। तो हम पास में आए, थोड़े पास में हेलीकॉप्टर जहाँ उड़ रहा था वहाँ पे हम पास में आए। फिर हमने सोचा कि नहीं पास में जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दो बार उसने नीचे लेके आया फिर ऊपर लेके गया, फिर ऊपर लेके गया और तीसरी बार में वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि गिरने वाला यही रोड पे ही था, मतलब हमारे खेत में ही। तो वो हमने सोचा इधर ही आया, कोई ब्लास्ट व्लास्ट हो जाएगा, कुछ गिर जाएगा किसी के ऊपर, इसलिए हमने सुरक्षा जगह ढूंढी हमारे घर में ये हमारे खेत पे। और तो हमने कहा ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ ब्लास्ट व्लास्ट, कुछ भी नहीं हुआ। वो नीचे आ गया था ना, पहले ऊपर लेके गया और फिर नीचे आके उसमें जो भी मिस्टेक आई है वो नीचे आके हुई है, तो इसलिए ब्लास्ट नहीं हुआ वो। और दूरी रहती है उसके ऊंचाई तो ब्लास्ट हो सकता था। टू सीटर एयरक्राफ्ट है और एक का नाम अरशद कुरैशी है और दूसरे का पवनदीप सिंह पाबला है और दोनों को अभी आईसीयू में है। कितने साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं ये? पिछले 3-4 साल से इंस्ट्रक्टर है। ये कहते हैं बाउंड्री वॉल के अंदर ही हुआ है, तो अब एग्जैक्टली कहाँ हुआ है वो भी मुझे पता नहीं। नहीं, दो ही इंस्ट्रक्टर, दो सीटर एयरक्राफ्ट है, दो इंस्ट्रक्टर थे, दोनों घायल। नहीं, दोनों इंदौर के ही हैं, लोकल, दोनों लोकल इंदौर। एमपी फ्लाइंग क्लब का ये एयरक्राफ्ट था। इस एयरक्राफ्ट का टाइप है सेशना 152। इसमें एक आपका इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर पवनदीप और एक ट्रेनी थे साथ में अरशद कुरैशी। ये दोनों जो नॉर्मल सीपीएल के लिए फ्लाइंग होती है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट जो है पहली बार एयरबोर्न हुआ 0509। दिस इज़ द यूटीसी टाइम आई विल टेल यू। इसमें आपको 5.5 घंटे आईएसटी के लिए जोड़ने होंगे। 10:39 पे एयरबोर्न हुआ और व्हाट दे यूजली डू कि टेक ऑफ करते हैं, सर्किट करते हैं, देन कम टच एंड गो, लैंड नहीं करते, सिंपल लैंडिंग का टचिंग करते हैं एंड उसके बाद अगेन यानी टेक ऑफ कर जाते हैं। तो इन्होंने जैसा कि 10:39 पे एयरबोर्न किया तो पहला टच एंड गो के लिए आए ये करीब 10 मिनट बाद, 10:49 पे फिर चले गए। फिर दूसरा टच एंड गो किया 24 पे, ठीक है, 24 मतलब आपका 10:54 पे सेकेंड टच एंड गो किया। और इसके बाद जब टेक ऑफ किया है उसके बाद ATC से इसका कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ। ATC ने कॉल करने की कोशिश किया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो हमको लगा रेडियो फ्रिक्वेंसी फेलियर है, कुछ कम्युनिकेशन फेलियर है, तो कम्युनिकेशन फेलियर कुछ नहीं था। तो इसके बाद ATC ने जो अपना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, अपनी फायर सर्विसेज होती हैं वहाँ का, एम्बुलेंस और क्रैश टेंडर को बोला गया, तो उसको यानी वहाँ से हमने करीब यानी 5:35 पर, मतलब यानी इस पर 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो 11:05 पर करीब वहाँ से रवाना हुआ आपका ये क्रैश टेंडर। हमारा जो भी स्टाफ होता है इसको लोकेट किया, तो एरिया काफ़ी बड़ा है एयरपोर्ट का मेरा, तो करीब 5:40 पर, मतलब 5:40 मतलब होता है आपका 11:10 पे इसको साइट को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर ये जहाज लैंडस्केप एरिया में गिरा हुआ था, है ना, जो कि रनवे का जो स्टॉप एंड है हमारा रनवे 07 एंड है उससे करीब 500 मीटर दूर है और हमारा जो पेरीमीटर वॉल है उससे करीब 100-150 मीटर करीब दूर है ये साइट। ठीक है, तो उस साइट पर ये गिरा हुआ पाया गया और यानी ज़मीन में धसा हुआ था, उसका नोजबिल धसा हुआ था। उसके बाद उसमें इमीडिएट बंदों ने जहाज़ से लोगों को निकाला, दोनों लोगों को, और दोनों यानी
सर्वाइवल कंडीशन में थे, हेड इंजरी वगैरह थी, पैरों में भी वो था और अनकॉन्शियस थे, उनको यानी एम्बुलेंस में डाल के हमने इमीडिएटली अरविंदो यानी हमारा एक अधिकारी भी गए यहाँ से सीनियर मैनेजर रैंक के और असिस्टेंट जीएम रैंक के हैं वो, सीनियर एटीसी इंचार्ज हैं, तो उनको अरविंदो हमने भर्ती करा दिया है। अरविंदो में भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मोस्ट प्रॉबली कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल तो है लेकिन होपफुली स्टेबल है, शायद बच जाएंगे लोग।